अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। तो उसकी रेसिपी मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। हाफ के जी है चिकन, उसके लिए मैंने ये ऑयल लिया है। ऑयल वो जो बड़े वाले खाने वाले चम्मच होते हैं ना, उसके आप ले लीजिएगा 2 या 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ये भी ऐड करूँगी इसमें। शिट, चूल्हा तो मैं लगाना ही भूल गई। अब सेकंड ये इसमें अच्छे से हो जाए फ्राई, ज़रा सौते हो जाए अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। चिकन को वॉश वगैरह कर लीजिएगा अच्छे से। अभी इसमें अच्छे से सौते हो जाए, उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर। ये देखिए लहसुन हमारा शैलो फ्राई हो गया। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। हाफ के जी से ज़्यादा है चिकन हमारे। चिकन को अच्छे से अब ज़रा सौते होने के लिए रखेंगे। उसके बाद मैं टमाटर कट कर रही हूँ। ज़्यादा कट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 पार्ट्स में करेंगे। और मैं इसके ऊपर सारी टमाटर टर्न करके रख दूँगी। ये मैं हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून। ये देखें बस दो पार्ट में करने, ज़्यादा नहीं करने, बस उल्टे करके इस तरह से हम रख देंगे इसमें। टमाटर और भी मैं ऐड करूँगी इसमें, मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें मैंने इसमें और टमाटर ऐड किए हैं। अब इसके बाद ये जब हो जाएंगे ना, इसका छिलका उतार दूंगी, तो फिर इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी। ये देखें अभी जब तक इसको आप लो फ्लेम में ढक के रख दें। ये देखें टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और मैंने इसके ना ऊपर के ये जो छिलके थे ना, ये सब उतार दिए। ये देखें ये सारे छिलके मैंने ऊपर से हटा दिए। अब ये बिल्कुल वही है कि अंदर का पेस्ट है। अब इसको ना जो जो मोटे मोटे दाने दिखे ना, जैसे टमाटर के, उनको ना, और छिलका अगर दिख जाए 1-2 तो हटा दीजिएगा। और जो टमाटर है ना मोटे मोटे, उनको अच्छे से ऐसे ना मिक्स कर दें कि वो मेल्ट हो जाए सालन में। करके फिर मैं आपको बताती हूँ। और मैं वीडियो ऑन करने ही भूल गई थी। दही मैंने ऐड किया है इसमें, 4-5 स्पून ऐड किए। अब ये देखें इस तरह। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सारे मसाले। लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। अब उसके बाद मैं इसमें घर के मसाले ऐड करूँगी, ये धनिया पाउडर गरम मसाला। ये सब ऐड करने के बाद मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी साबुत, वो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसमें मैंने सारे घर के मसाले ऐड कर दिए हैं। मैंने डब्बे वाला शान का मसाला नहीं ऐड किया, ये मैं होममेड मसालों में बना रही हूँ। जैसे कि लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, बस। अब ये देखें अब मैं इसमें हरी मिर्च लंबी लंबी कट करके वो ऐड कर दूँगी, ये इस तरह से। बस ये देखें इस तरह से मैं हरी मिर्च ऐड कर दूँगी इसमें। 4 मैं मिर्चें ले रही हूँ बड़ी वाली, मोटी वाली, वो ऐड कर दूँगी। और इसको मैं दम दे दूँगी। बस ये रेडी हो चुका है कढ़ाई। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी। ये नहीं, कढ़ाई को ज़रा देखते हैं क्या सूरत हाल है। देखें कढ़ाई माशाल्लाह कितनी अच्छी रेडी हो गई है। चिकन भी बिल्कुल गल चुका है और अच्छे से कुक हो गया है। ये देखें ज़्यादा भी चम्मच ना मारें, ये ना टूट ही जाए। कढ़ाई हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।